गर्मी गर्मी जब स्टार्ट होती है तो बस कुछ ठंडा खाने को ही मन करता है, और अगर घर पे बना हुआ हो तो और भी मज़ा आ जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कुल्फ़ी, जो मटके वाली कुल्फ़ी होती है, पर उसे हर कोई बनाने में कतराता है, क्योंकि वो घबराता है कि हम कम से कम 2 किलो दूध लेंगे, तिहाई हिस्से का जलाएंगे, तब जाके हमारी कुल्फ़ी बनेगी। तो आज मैं आपको कम दूध में घर पर बढ़िया एकदम मज़ेदार स्वादिष्ट कुल्फ़ी बनाना बताऊंगी। तो यहाँ मैंने लिया था आधी किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मेरा दूध था, जिसको मैंने गर्म होने रख दिया, और उसमें उबाल आने तक उसे पकाऊंगी मैं। और यहाँ पे मैंने कम से कम 5 से 6 मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए। हमारे गांव में यही मिलते हैं, छोटे छोटे वाले ब्रेड, बड़े वाले नहीं मिलते हैं। तो इनको मैं अच्छे से, इनकी किनारी निकाल के इनको अच्छे से मैंने है ना ग्राइंड कर लिया है, ऐसे ही सूखा, कुछ डाला नहीं, ऐसे ही बस। और यहाँ मेरे दूध में उबाल भी आ गया था एकदम, मैंने फुल क्रीम वाला दूध लिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं। और इसमें मैंने ऐड की शुगर, जो जितना भी आप ऐड करना चाहें, जितना भी मीठा खाना चाहें, और फिर साथ ही ऐड कर दिए मैंने ब्रेड। तो जो ब्रेड है ना, वो हमारे दूध को गाढ़ा बनाता है, जैसे रबड़ी जैसा हो जाता है ना, ऐसा बना देता है, हमें दूध जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर इसमें मैंने साथ ही ऐड किए थोड़ा सा इलायची पाउडर और एक चॉकलेट, छोटी किटकैट वाली आती है ना, जिसमें 4 पीसेस आते हैं, उसके 2 पीसेस मैंने इसमें क्रंच करके थोड़े से ऐड कर दिए, ताकि थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाए और कलर भी चेंज हो जाए। तो यहाँ मेरा अच्छे से एकदम रबड़ी वाला दूध बन के तैयार हो गया है। ब्रेड डालने के बाद मैंने अच्छे से पकाया था, इसे पकाने मुझे कम से कम बस 10 से 15 मिनट लगी थी। अगर आप स्लो आंच पे पका रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। और फिर मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दिया, और फिर बाद में ऐड कर दिए बादाम क्रंच करके। और फिर मेरे पास वो थे नहीं आइसक्रीम जमाने वाली, कुल्फी वाली जो स्टैंड आते हैं, वो नहीं थे। तो मैंने यहाँ डिस्पोजल के ग्लास लिए, उसमें ऐड किया और आइस बनाने के लिए रख दिया। तो ये देखिए मेरी बहुत ही अच्छे से मेरी कुल्फी जम गई है, और ना ही मेरे पास स्टिक थी, सारे मैंने घरेलू जुगाड़ लिए। तो यहाँ पे फ्रूट वाले मेरे पास फॉक थे, मैंने उन्हीं को इसमें ऐड करके निकाल लिया, और आप देख सकते हैं कितनी स्वादिष्ट और मज़ेदार एकदम है ना, जो बाहर से मार्केट से हम लेकर आते हैं, हालांकि शेप वो नहीं है पर फ्लेवर वही था। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी ये घर पर बनी रेसिपी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टाटा।